बिहार में छपरा के निकट आज सुबह नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी की 12 बोगिया पटरी से उतरी। घटना में लगभग 5 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। हादसा तड़के करीब 2 बजे हुआ जब राजधानी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने आज छपरा में राजधानी एक्सप्रेस के हादसे की जगह का मुआयना किया। रेल मंत्री ने कहा कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा, लेकिन देखने से लगता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है। रेल मंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विभाग ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने छपरा रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसके पीछे माओवादियों का हाथ होने की संभावनाओं को खारिज करते हुए इसे रेलवे की चूक बताया। छपरा ट्रेन हादसे को जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि घटना के किसी भी कारण तक पहुंचने से पहले पूरी जांच होनी चाहिए। बिहार में ही देखने को मिला एक अन्य रेल हादसा। पूर्वी चंपारण के मुजफ्फरपुर और मोतिहारी रेलखंड एवं चकिया स्टेशन के बीच कल एक मालगाड़ी को नक्सलियों ने रात करीब 11:55 पर डायनामाइट से उड़ाया। घटना में 18 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लेकर उपजा विवाद अदालत पहुंचा। आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। मामले में अदालत 1 जुलाई को सुनवाई करेगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज से 3 दिन की बांग्लादेश यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री अपने प्रवास के दौरान बांग्लादेश के नेताओं के साथ विवादित मुद्दों पर भारत का पक्ष मजबूती के साथ रखेंगी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गंगा की अविरल धारा बनी रहे। एक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि किसी तरह टिहरी बांध के आगे भी भागीरथी अपने प्रवाह में बहे। मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय मंडी हाउस सेक्शन को कल से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। डीएमआरसी ने कहा है कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू कल सुबह पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सरकार ने वाहन पूंजीगत एवं उपभोक्ता उत्पादों पर उत्पाद शुल्क रियायत की समय सीमा 6 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2014 की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इस कदम से थोड़े समय के लिए राजस्व में कमी जरूर आ सकती है, लेकिन दीर्घकालिक स्तर पर अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। उरुग्वे के खिलाड़ी लुइस सुआरेज के इटली के डिफेंडर जियोर्जियो चिएलिनी के कथित तौर पर दांत काटने की घटना से फुटबॉल जगत में मची हलचल। इस मामले में अनुशासनात्मक जांच हुई शुरू। फीफा विश्व कप में आज ग्रुप एफ के मुकाबले में नाइजीरिया और अर्जेंटीना के बीच होगा मुकाबला। वहीं बोस्निया हर्जेगोविना और ईरान के बीच खेला जाएगा अहम मैच। ग्रुप ई के मैच में होंडुरस और स्विट्जरलैंड की टीमें होंगी आमने सामने। वहीं इसी ग्रुप में इक्वाडोर और फ्रांस के बीच होगा मुकाबला।